आज हम बात करेंगे डोरेमोन और कितरिक्षु की। अगर आपने दोनों शो देखे हैं तो आपने ध्यान दिया होगा कि दोनों ही कार्टून शो सिमिलर हैं, बट किसने किसको कॉपी किया है और क्यों, अगर जानना है तो वीडियो को लास्ट तक देखें। और हाँ, ऐसे ही कार्टून कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। भाई लोग, अगर आपने डोरेमोन देखा है तो कितरिक्षु भी याद ही होगा, नहीं याद आ रहा तो एक बार यह सुन लो। अब तो याद आ ही गया होगा, इसमें कितरिक्षु नाम का एक जीनियस लड़का जिसे इन्वेंशन करना काफ़ी पसंद है, और वही डोरेमोन के बारे में कौन नहीं जानता। बट अगर हम दोनों ही शो को कंपेयर करें तो हमें कई सिमिलैरिटीज़ देखने को मिलेंगी। अगर हम देखें तो दोनों ही शो सेम स्टोरी लाइन पर बेस्ड हैं, दोनों के कैरेक्टर्स मिलते जुलते हैं। दोनों शोज में एक चश्मा पहने लड़का नोबिता और कितरिक्षु जो कि शो के मेन कैरेक्टर हैं, डोरेमोन और कोरोसुके जो कि दोनों ही रोबोट हैं, वही सिजुका और मियोको दोनों ही नोबिता और कितरिक्षु के लव इंटरेस्ट, और दूसरी ओर सुन्यो टोंगारी जैसा और जियान बूटा गोरिल्ला जैसा बनाया गया है। बस दोनों शोज में फर्क इतना है कि डोरेमोन में नोबिता पूरी तरह एक डम बच्चा है, तो दूसरी ओर कितरिक्षु एक जीनियस जो कि साइंटिफिक इन्वेंशन करता है। और अगर डोरेमोन और कोरोसुके में देखें तो इन दोनों में कोरोसुके को डम और लेजी दिखाया गया है। अब बात यह आती है कि दोनों ही शोज सिमिलर क्यों हैं? क्या डोरेमोन कितरिक्षु की कॉपी है या फिर कितरिक्षु डोरेमोन की? दोस्तों, आप जान के हैरान हो जाओगे कि ये दोनों ही शोज एक ही आदमी ने लिखे हैं, फुजिको फुजियो। डोरेमोन की बात करें तो यह शो रिलीज हुआ 1979 में और वही कितरिक्षु 1988 में। लेकिन जब डोरेमोन अच्छा खासा चल रहा था तो राइटर की ऐसी क्या मजबूरी रही कि उन्हें दूसरा शो लिखना पड़ा? जब डोरेमोन रिलीज हुआ तो कुछ लोगों की शिकायत थी कि इसका मेन कैरेक्टर जो कि नोबिता है वह डम और लेजी है, हर काम के लिए डोरेमोन की मदद मांगता है और रोते रहता है। लोगों का मानना था कि इन सबसे बच्चों पर बैड इम्पैक्ट पड़ सकता है और बच्चे नोबिता जैसे हो सकते हैं, और डोरेमोन के इस नेगेटिव इम्पैक्ट को कम करने के लिए इसके राइटर ने एक नया शो लिखने की सोची जिसमें नोबिता के अपोजिट कितरिक्षु को एक इंटेलिजेंट कैरेक्टर बनाया गया, वही डोरेमोन की जगह कोरोसुके को डम और लेजी बना दिया गया। बट यह शो डोरेमोन जितना फेमस नहीं हो पाया और इसे बंद करना पड़ा था। इसका क्या रीजन था मैं आपको बताता हूँ। कितरिक्षु को हंगामा चैनल द्वारा 2007 में ब्रॉडकास्ट किया गया। इसका एक एपिसोड 25 से 30 मिनट का होता था और वही बाकी कार्टून शोज 10 से 15 मिनट के होते थे। इस शो के लंबे होने की वजह से टेलीकास्टर्स को इस शो के बीच में एड्स लगाने पड़ते थे और इस वजह से इस शो की टीआरपी में गिरावट आने लगी। बाद में यह शो ओगो, डिज्नी और कार्टून नेटवर्क में भी ब्रॉडकास्ट किया गया, बट यहाँ भी इसके लंबे होने की वजह से यह शो चल नहीं पाया था और इसे बंद करना पड़ा था। दोस्तों, अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में बताएं कि आपका फेवरेट शो कौन सा है, डोरेमोन या फिर कितरिक्षु।